बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक्निकल ओडिशा। एंड हम आज इसकी ये जो वीडियो है इसमें हम जानेंगे कि आप एक वेबसाइट के थ्रू या एक जो है ऐप के या सॉफ्टवेयर के थ्रू आप अपने व्यूज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपनी वीडियोस पे जो व्यूज़ हैं वो बढ़ा सकते हैं। आपकी अगर वीडियो पे एक या दो या तीन व्यूज़ आके और रुक जाते हैं या 10-20 व्यूज़ आते हैं और फिर व्यूज़ ड्रॉप हो जाते हैं, तो ये क्यों होता है और इसका सॉल्यूशन क्या है, तो आज की इस वीडियो में हम सारा कुछ जानेंगे। लेकिन उससे पहले और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलते हैं बिना वीडियो को टाइम को वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास एक जो है वेबसाइट है और वो मैं ओपन करने जा रही हूँ और ये आप क्रोम ब्राउज़र में ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी वेबसाइट क्या है, tubebuddy.com, ठीक है। आपको tubebuddy.com पे आपको आ जाना है, जिसके मैं अभी यहाँ पे जो है क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया है और यहाँ पे मैं लिखूँगी ट्यूब, यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी tubebuddy.com, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने इसको जैसे ही टैप किया तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको सिंपली यहाँ पे देखिए तीन ऑप्शन आ रहे हैं। तो ये हेयर आर थ्री सिंपल वेज टू गेट स्टार्टेड विद TubeBuddy, ठीक है। तो आपको यहाँ तो आपका जो है एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा या फिर आपको एक चैनल क्रिएट मतलब ऐड करना पड़ेगा या फिर आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो लर्न आप कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पे आपकी जो ये वेबसाइट है ये किस काम आती है और बाकी सारी चीज़ें वो आप लर्न कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक चैनल भी कर सकते हैं, जो अगर आपके पास यूट्यूब चैनल है तो वो आप यहाँ पर चैनल ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है YouTube जो चैनल है वो आप दो या दो से ज़्यादा भी कर सकते हैं और बहुत सारे जो है चैनल्स आप जो है इस पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आप चैनल ऐड करूँगी, ठीक है। मैंने इसको जैसे आपको आपके सामने क्लिक किया तो थोड़ा सा लोडिंग लेगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन मिल रहा है साइन इन विद गूगल। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है साइन इन विद गूगल और यहाँ पे आई रीड एंड एग्री टू प्राइवेसी पॉलिसी, आई रीड एंड एग्री टू द टर्म्स यूज। तो आपको यहाँ पे सिंपली आपने साइन इन कर देना, ठीक है। साइन इन इसको आपने जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको प्लीज़ रिव्यू आवर प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स ऑफ यूज एंड चेक द बॉक्सेस दैट यू एग्री बिफोर लॉगिंग। सो इसको ओके कर देना, ठीक है। जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ पे आपको इस पर टिक कर देना है और इस पर भी टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको फ्रेंड्स जो है इन दोनों पर आपको टिक कर देना है, ठीक है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए साइन इन का और बहुत सारी जो है साइन इन का जो है आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड्स टिक करने के बाद आपको क्या करना है, साइन इन विद गूगल आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। आप क्लिक करेंगे थोड़ा सा वेट लेगा, मेरे वाईफाई जो है थोड़ा सा जो है स्लो है। सो आपने जो है यहाँ पे जो है आपको आपका जो जो क्रोम ब्राउज़र है जो वो अगर जिस अकाउंट से आपका क्रोम ब्राउज़र जो है लिंक हुआ हुआ होगा वो अकाउंट यहाँ पे नज़र आएगा, जैसा कि मेरा यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका नज़र आएगा।
और अगर आपका नहीं है तो यहाँ पे आपको ऐड एन अदर अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, या अगर वो भी नहीं मिला तो यूज़ एन अदर अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा। तो इन दोनों में से आपको किसी क्लिक करके और ऐड कर देना है, या फिर आपको यही सेलेक्ट कर देना है जो कि आप चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको क्लिक करें। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगी ना, तो यहाँ पे फिर से क्या आएगा, देखते हैं क्या आना है। तो यहाँ पे माय अकाउंट का जो है थोड़ा सा खुल जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए, हमने जैसे ही साइन इन किया है तो यहाँ पे नज़र आ रहा है वेलकम टू ट्यूबबडी, एंड स्क्रॉल डाउन करके और ये सारी चीज़ें हमारी आ चुकी हैं। तो यहाँ पे हम इसको यूज़ करने का तरीका क्या है, इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, और ये यूज़ किस लिए किया। अब देखिए, ये जो ये ट्यूबबडी डॉट कॉम है, ये आपको क्या क्या करने के लिए कि आपके जो यूट्यूब पे जो व्यूज़ होते हैं ना, वो इंक्रीज़ करने के लिए। सो आपको कैसे इसको यूज़ करना है वो मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, आपको जो है अब अपने आपको जो है साइन इन ट्यूबबडी डॉट कॉम जो है, आपको साइन इन करने के बाद आपको क्या करना है, आपने अपना जो है यूट्यूब ओपन कर लेना है, क्रोम ब्राउज़र में आना है, और क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद अपना यूट्यूब ओपन कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको यूट्यूब ओपन करने के बाद अपने जो है अपने चैनल के लोगो पर क्लिक कर देना है। जैसे कि मेरा यहाँ पर लोगो है, इसको मैंने क्लिक कर दिया है। अब जैसे मैंने इसको क्लिक कर दिया है, तो यहाँ पे आपको यूट्यूब स्टूडियो का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे जो है एक डैशबोर्ड खुल जाएगा, और डैशबोर्ड खुलने के बाद आपको यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिल रहा है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है अब फ्रेंड्स आपको यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे अपना चैनल ओपन करते हैं, तो यहाँ पे आपको देखिए पहले आपको ये वाला ऑप्शन नहीं मिल रहा था, अभी आपको ये वाला ऑप्शन मिल रहा है, तो आपने सिंपली इसको क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स, आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन मिलता है डैशबोर्ड, डैशबोर्ड जो कि आपको यूट्यूब स्टूडियो पर यहाँ मिलता है, वही डैशबोर्ड आपको यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ पे आपको वीडियोस और लाइव स्ट्रीम में जो यहाँ पे आपको कंटेंट भी मिलता है वही मिलेगा, प्ले लिस्ट जो आपने बनाई होती है वो आपको यहाँ पे जैसे मिलती है वही मिलेगी, और कमेंट्स जो कि आपने आपने कमेंट्स जो है आपको आए होंगे, मैसेजेस वगैरह, कमेंट्स वगैरह जो व्यूवर्स ने आपके वीडियो पे किए होंगे वो कमेंट्स आपको नज़र आएंगे, एनालिटिक्स जो कि यहाँ पे आपको नज़र आते हैं, और रियल टाइम जो कि आपको एनालिटिक्स के अंदर नज़र आते हैं वो जो होते हैं वो आते हैं। अब नेक्स्ट हमारी चीज़ जो है यहाँ पे ये वाले जो कीवर्ड्स हैं ये वीडियो के हवाले से है, तो इन कीवर्ड्स को हमने जो है अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, और अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे आपको जो है अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, और जो है अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप ट्यूबबडी जो है ऐप को जो है यूज़ कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को या वेबसाइट को अपने यूज़ कैसे करना है, और उसकी यहाँ पे देखिए आपको कीवर्ड एक्सप्लोरर, SEO स्टूडियो, वीडियो टॉपिक प्लानर, टैग लिस्ट, बेस्ट टाइम टू पब्लिश, क्लिक मैनेज, एंड बहुत सारी इसके अलावा वीडियोस जो है टॉपिक्स जो है वो है। तो अभी आपको अभी के लिए इतना ही, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम ये सारी चीज़ें जो है डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप अपनी कीबोर्ड एक्सप्लोरर और बाकी SEO और अपनी व्यूज़ पे जो है क्या नाम है, अपनी व्यूज़ पे वीडियो पे व्यूज़ इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।